आ गए। अरे ओ दीदी जल्दी आ, अरे सिर पे लोड आ रहा है मेरे। आराम से पकड़ना, दोनों साइड में इसमें बहुत धार होती है, ठीक है? और क्या, आराम। पापा ये ले लो अपने लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अब सभी का वेलकम बैक हो चुका है मानस कंट्री व्लॉग से न्यू व्लॉग में। तो गाइस सुबह सुबह मस्त भाई नहा धोकर, आज संडे का दिन है तो भाई बहुत सारे काम है। एक तो भाई सबसे बड़ी बात कि भाई पापा लोग संडे के दिन रुकते ही नहीं है घर पे, वो चले गए धोना, वहाँ पर दीवार वगैरह बन रही है वो वहीं देखने गए हैं। और हमारा भी एक काम है, तूने तो नहाया नहीं है, क्यों नहीं नहाया? पहली बात तो ये बता। तो एक बजे नहाने काम करूंगा, धूल आएगी वापस। धूल क्यों आएगी? क्यों आएगी? अल्लाह का कमरा देख, मैंने साफ करा पूरा, तो मैं क्या करूं फिर उसमें? नाच। तो गाइस इसकी तो अलग ही कैलकुलेशन रहती है, कह रहा है एक बजे नहाऊंगा, है ना। और गाइस एक काम है बहुत इम्पोर्टेंट भाई, एक पुरानी टंकी पड़ी है भाई छत पर, है ना, इस वाली छत पर। और भाई उसको नीचे लेकर आना है, फिर उसको लेकर जाना है प्लॉट पे। मम्मी कह रही उसको काटेंगे और फिर उसमें गमला बनाएंगे एक, तो मम्मी की बात तो माननी पड़ेगी, है ना। तो फटाफट चलते हैं भाई, टंकी निकालते हैं और मेरे ख्याल से उसको यहीं से उतारना पड़ेगा। तो गाइस देखो ये वाली टंकी है, ये टंकी है, इसको नीचे भाई उतारना है। भाई यहीं से फेंक दें क्या? यहाँ से फेंक दें भाई, इधर से शायद तार, अब तार तो हट गए ना वाले। भाई ये दो तीन तार हैं, अब नहीं इसको बीच वाले में लेकर चलते हैं, बीच वाले से गिरा देंगे। चल इसको खींच, अब खींच खींच, लेकर आ, हल्के हल्के लेकर आ, लेकर लेकर आ, लेकर आ। भाई यहाँ पर दिव्यांश ने मेरे सिर पर लोड दे दिया सारा। अरे ओ दीदी जल्दी आ, दिव्यांश ऊपर खींच। अरे ये मेरे पर लोड आ गया पूरा। गाइस इधर एक प्रॉब्लम है, अब इधर से हम टंकी फेंकेंगे कहीं किसी के तार ना टूट जाएं। तोड़ दूं? तोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मैं तो कह रहा हूँ तोड़ दिया जाए। टंकी सभी की लाइट नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। किसके यहाँ? भाई मैं दिखा नहीं रहा हूँ किसके यहाँ कह रही है, लेकिन ना आए तो बढ़िया ही है फिर, है ना। दीदी वो दीदी का बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए कह रही है दीदी। गाइस अभी का मोए मोए हो गया, मोए मोए। तो भाई इसको हमने यहाँ से फेंका, देखो यहाँ से, और कुछ हुआ नहीं टंकी में। तो भाई ये है टंकी, किसी और के गेट के आगे फेंक दी थी दिव्यांश ने, इसको लेकर चलते हैं प्लॉट पे रख कर आते हैं। तो गाइस इसको तो हमने रख दिया यहीं पर ही, और अभी भाई मम्मी करेगी, मम्मी को बताओ कहाँ से काटना है इसको, कहाँ से नहीं काटना है। फिलहाल गाइस अभी हम लोग पता है कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे भाई हेक्सा ब्लेड लेने, हेक्सा ब्लेड से ही कट पाएगा भाई वो जो है ना पूरा, वो जो बीच से काटना पड़ेगा टंकी को, वो हेक्सा ब्लेड से ही कट पाएगा। तो चलते हैं फटाफट से हेक्सा ब्लेड लेने। बता क्या कह रहा है? दो टंकियां काटनी है। हाँ वो तो पता है मुझे, पता है। हाँ कौन सी कौन सी? एक वाइट है एक ब्लू है। गाइस ये है दुकान, यहाँ से जाकर फटाफट से मैं एक्सा ब्लेड लेकर आता हूँ। गाइस ये है एक्सा ब्लेड और मिल चुका है हम लोगों को। चल पकड़, आराम से पकड़ना, दोनों साइड में इसमें बहुत धार होती है, ठीक है। तो फिलहाल गाइस ब्लेड तो आ चुका है, लेकिन अब भाई इस ब्लेड को हमें इसमें फंसाना होगा, उसके बाद तभी कटेगा, वरना दोनों तरफ से धार होती है ना, अगर ऐसे ही काटेंगे ना तो हमारा हाथ कट जाएगा। बता तुझे आता अटकाना, तो अटका, चल तू अटका। अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर लंच करने, और भाई मम्मा ने आज देखो यहाँ पर पुलाव बनाया है और रायता दिया है, तो गाइस फटाफट से खाना खाते हैं भाई। मस्त खाना पीना खा लिया, पेट भर चुका है ना। और अभी फिलहाल भाई जाना है बड़े पापा के साथ सामान लेने। मम्मा क्या क्या सामान लाना है बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी बताओ। अरे मतलब जो सामान लेने जाते हैं, साबुन वाला या मसालों वाला? अरे सारी चीज़ें लेकर आनी है। तो भाई यहाँ तो चेन सही हो रही है, हो गई चेन सही हो गई इसकी। भाई ये वाला स्कूल बैग, मतलब ये वाला जो बैग है मैं स्कूल लेकर जाता था, स्कूल बैग था मेरा ये। फिलहाल गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं भाई सामान लेने, और देखो पापा गए हैं दुकान में सामान लेने सारा, ठीक है। मैं तो यहीं खड़ा हूँ, और देखो गाड़ी का बीच रोड पे लगाई है हमने, बीच रोड पे देखो फुल हवाबाजी चल रही है हमारी, पर ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर बीच रोड पे लगाते हैं, जैसे ये खड़ी स्कूटियाँ सेम वैसे ही लगाते हैं। इस पापा का स्टाइल देखो खड़े होने का, फुल मौज में खड़े हैं पापा आराम से, बिल्कुल हो गया सारा सामान, हो गया ना भाई, ले लिया सारा सामान जो भी लेना था। चलें हम घर चलें, और कुछ नहीं लेना, खत्म, नहीं लेना ना, बाय बाय टाटा, हो गया ना सारा।
चलो गाइस अब चलते हैं घर पे। मैं तो सोच रहा था और सामान लेना होगा लेकिन कुछ नहीं लेना। पापा तो मना कर रहे थे कुछ नहीं लेना, अभी 10 मीटर भी नहीं चले हम, पापा ने रोक दिया गुड़ के लिए। भाई इन गुड़ में वो देखो कितनी सारी वो हैं मधुमक्खियाँ मोटी मोटी, कहीं काट नहीं रही हैं। भाई मैं यहाँ खड़ा हुआ मुझे भी नहीं काट रही हैं, अंकल खड़े अंकल को भी नहीं काट रही हैं। भाई ले लिया है गुड़, लो इसको पकड़ो, रखो अंदर, इधर गिरेगा तो नहीं, गिरेगा अंदर। आ गया फिलहाल गाइस, मैं तो आ चुका हूँ घर पर, लेकिन पापा और दीदी दोबारा गए हैं भाई वहीं पर ही, क्योंकि पापा एक सामान भूल गए थे, एक क्या बहुत सारे सामान भूल गए थे, तो पापा वही लेने गए हैं दीदी के साथ, है ना। मम्मा पापा पता आधा सामान वहीं भूल कर आ गए हैं, दोबारा गए थे फोन पे बात कर रहे थे और मजे में वही भूल कर आ गए, अब दोबारा उतना ही तेल लगेगा दोबारा शामतगंज दोबारा, सामान तो दे देगा लेकिन अब इतना दूर दोबारा जाना पड़ेगा। भाई हमारे पापा का ध्यान फोन कॉल पे था, पापा तो बिजी रहते फोन कॉल पे, तो हो गया बंटा धार, है ना मम्मा। और लगे रहो फोन पे, हैं यानी कि सामान ले रहा हूं, सामान देख लूं मैं, क्या कहूं यार उनको कुछ। अब पापा से बात करो आप इस बारे में, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो दूर खड़ा हुआ था, मैं तो दूर खड़ा हुआ था सर बता रहा हूं मैं, अरे मैं दूर खड़ा हुआ था ना इसलिए। तो गाइस पापा आ चुके हैं, कैसा रहा बाबा दोबारा घूमना, अब देखो आप कुछ नहीं बोलेंगे। और गाइस पता भूल के क्या आए थे, ड्राई फ्रूट्स। गाइस देखो चल दी मेरी आवारा मम्मियाँ मस्त कैंटीन घूमने, कितने आवारा हो गए आप लोग। भाई सब जा रहे हैं, मैं अकेला रहता हूँ घर में अकेला, अब वो जो अम्मा का काम था वो मेरा है। डेली जाते हो मौसम खराब था भाई, बहाने मारते हो। मम्मी भाग गई, मुझे सोचा था कि उन्हें सोचा वीडियो में ले लेगा, भाग गई मम्मी। जा भाई जा, हाँ चल बहुत एक्टिंग मत दिखा, एक्टिंग मत दिखा, जा जा मोटी हाथ मार के गई है मुझे, हाथ इतनी तेज। गाइस भाई मम्मी लोग तो गए, साथ ही साथ लाइट भी गई और पापा लोग आ गए भाई, वरना तो मुझे डर लग रहा था सच बता रहा हूँ मैं। उससे तो भाई मैंने एक नई ट्रिक सोच ली है, पता क्या, मम्मी लोग भागेंगे उससे पहले मैं ही भाग जाऊंगा भाई पक्का। अब गाइस फिलहाल अभी मम्मी लोग घर आए, अब हम लोग दोबारा जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं भाई पापा के लिए कच्चे वो निकर लेने, है ना निकर लेने। तू हर जगह क्यों जाती है, तू हर जगह क्यों जाती है, काम नहीं चलता है। तू जा अंदर अभी घूम घाम के आ रही है, जा बहुत हो गया। पापा इसको हर जगह क्यों ले जाते हो, मैं तो ले जाऊंगा गाड़ी हर जगह ले जाते हैं उसको, मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा और जाऊंगा सीधे विशाल मेगा मार्ट। तो गाइस फिलहाल आ चुके हैं हम लोग गरीबों के बाजार, चलो चलो अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। फिलहाल गाइस आ चुके हैं हम लोग विशाल मेगा मार्ट, ऊपर आ गए थे हम डायरेक्टली, पापा को लेने थे भाई निक्कर अपने लिए, तो वही निक्कर देख रहे हैं कि कौन से लेंगे, है ना। इनका एसी चल ही नहीं रहा मुझे लग रहा है, वो देखो बंद पड़ा है, इतनी गर्मी वर्मी लग रही है ना और घुटन सी लग रही है भाई इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा। पापा ये ले लो अपने लिए, खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अरे भाई कच्चा ही तो है और क्या है भाई, पापा गुस्सा हो गए। पापा इतनी अच्छी चीज़ दिखाई थी मैंने आपको, आप ले सकते थे लेकिन आप ले नहीं रहे हो, आपका दिमाग तो निक्कर पे अटका हुआ है बस। फिलहाल गाइस एक निक्कर तो ले लिया पापा के लिए, तो गाइस दोनों फाइनल हो गए, सो कपड़े लेने थे ले लिए, एक टी शर्ट मुझे पसंद आ गई भाई ये वाली। भाई यहाँ पर एक घंटा खड़ा होना पड़ेगा, इतनी भीड़ रहती है ना हद से ज्यादा। तो गाइस सारा सामान ले लिया हम लोगों ने और ये इसने हाथ में पकड़ लिया पॉली बैग, तो क्या करना है, मैं ना स्कूटी है इसमें डाल देंगे। गाइस घर आ चुके हैं और भाई मैंने अभी हर्षित से बोला आवाज कम करो, आवाज ही कम नहीं करता भाई टीवी की। और भाई देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, भाई ये टी शर्ट पसंद आ रही थी, एक ये ले ली ठीक है, एक ये ले ली और एक ये ले ली, ये फिलहाल तीनों मेरी नहीं है, है ना मम्मा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ हवाबाजी में, एक ये ले ली एक ये ले ली एक ये ले ली, भाई इसमें सिर्फ एक ही है मेरी और दो पापा लोग की हैं। चलो गाइस अब खाना खा लेते हैं फटाफट से, भूख लग रही है बहुत ज्यादा तेज। तो गाइस अभी मैं ऊपर आया हूँ मम्मी के पास, मम्मी ने भाई मुझे खाना दे दिया है, यहाँ पर मम्मी ने दाल दे दी मुझे, यहाँ रोटी और यहाँ पर बैगन का भरता। इसमें तो खाना खाकर आ चुका हूँ नीचे और अभी भाई ये टेबल का आजकल बहुत यूज आ रहा है, पता क्यों, क्योंकि इसमें मैं लैपटॉप रख के अच्छे से एडिटिंग कर ले रहा हूँ, इसलिए सबसे बेस्ट टेबल है मेरे लिए तो अभी इस टाइम पर। और चलो गाइस यार लोग हम लोग यहीं पर कर देते हैं एंड, और व्लॉग एंड करने से पहले एक बात और बताऊँ, पिछले यार लोग मैंने चैलेंज दिया था 1000 लाइक का, तुम्हारे बस का नहीं है यूट्यूबर भाई, यूट्यूब पर भाई जितनी भी जनता है ना उनके बस का ही नहीं है कि वो मेरी वीडियो को 1K लाइक करा पाए, अगर तुम्हारे बस की है तुम्हारे अंदर दम है इतना सा भी ठीक है, मुझे छोटा भाई मानते हो खासकर, छोटा भाई या अपना बच्चा जैसा जो भी मानते हो मुझे,
तुम कर सकते हो लाइक, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, वाली भी 1000 लाइक पहुंचाओ उस पर, ठीक है। और यार लोग हम लोग यहीं पे कर देते हैं एंड, आई होप ये लोग आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तक के लिए चकोज़।